بسم الله الرحمن الرحيم मैं समझता हूँ सब पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादा सवालात की ज़रूरत नहीं है, उलमा मौजूद हैं और जो भी सवालात हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर वाकई कोई सवाल है तो पूछें, वरना ज़बरदस्ती सोच के सवाल ना बनाएं। हमारे लोगों को बहुत आदत रहती है कुछ तो पूछना, वाकई पूछे तो ठीक है, आदमी का जहन में सवाल था पूछ लिया, अब बैठ के ज़बरदस्ती सवाल बनाना वो उसको वैसा मत कीजिए, नहीं आ रहा छोड़ दो, ज़बरदस्ती कोई फ़र्ज़ नहीं पूछे तो कुछ गुनाहगार नहीं होंगे, खाना आराम नहीं होगा आपके ऊपर। तो अल्लाह ताला हम सबको नफे वाला इल्म अता फरमाए। नज़र के लिए धागा ना अपने को बांधना है ना दुश्मन को बांधना है, न काला ना गोरा, नज़र के लिए इस तरह के धागे या इस तरह की कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अऊदु बिकलिमातिल्लाहि तामा मिन कुल्ली शैतानिन वहामा व मिन कुल्ली आइनिन लामा, ये दुआएँ और इसके अलावा भी दुआएँ हैं। तो दुआ से दुआ पढ़ के इलाज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी को मालूम नहीं पड़ सकता कि नज़र लगने से पहले मालूम हो जाए तो कुछ शील्ड उसके लिए रखे, ऐसा कुछ नहीं है, हमको नहीं मालूम। लेकिन अचानक मसलन कोई शख्स अच्छा खासा था, बैठ के अच्छा खेत के बात कर रहा था, अचानक एकदम ऐसा बीमार पड़ गया कि उठने भी नहीं आ रहा, बच्चा अच्छा खेल रहा था, अच्छे कपड़े पहनाए उसको और उसके बाद अचानक ऐसा पड़ गया, बदन गर्म हो गया और एकदम हिलने के लिए तैयार नहीं, उठ रहा नहीं, बात नहीं हो रही उससे, अचानक ऐसा जब हो जाता है ये एक अंदाज़ा होता है कि बहुत मुमकिन है इसको नज़र हुई हो, वो भी आप एकदम पिन पॉइंट बोल नहीं सकते डेफिनेटली नज़र हुई है, ये गैब का मामला है हमको मालूम नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, लिहाजा उसके लिए दुआ पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा करना, वो बहुत देख रहा था बच्चे को उसकी नज़र लगी देखो, तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी माँ बाप की भी नज़र लग जाती है। नज़र लगना सिर्फ ये बोलते हैं जैसे दुश्मनों की नज़र ना लगे, ज़रूरी नहीं कि दुश्मन की नज़र लगती है, मोहब्बत करने वाले की भी नज़र लगती है, कुछ नहीं बोल सकते। सवाल है कि इन इस्लाम डू वी बिलीव इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स वी कैन चेंज द फेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कुछ लोग बिजनेस के मैदान में, वो हमेशा उनके जहन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कि जैसा आप सोचते वैसा होते जाता है, नहीं का मतलब नहीं, हाँ का मतलब हाँ, तो चीज़ें आपके सोचने से बदलती हैं। वो जैसे किसी ने कहा दिल के बहलाने को गालिब या ख्याल अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इस तरह की कोई चीज़ जहाँ तक मैं जानता हूँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला जो चाहता है अल्लाह का लॉ चलता है, तो लॉ ऑफ डिसीजन है वो, क्या है, अल्लाह का डिसीजन चलता है, उसी को क्या कहते हैं, डिक्री, उसी को कहते हैं फैसला, कदा तकदीर, व कदा रब्बु का अल्लाह तअबुदु इल्ला, कदा एक कदा शरई होती है, एक कदाए कौनी होती है, कायनात में अल्लाह फैसले करता है, फ़कदाहुन सबअ समावातिन, तो अल्लाह जो चाहता है फैसला करता है, तो लॉ ऑफ डिक्री है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं है कि हम अट्रैक्ट करें तो सब मिल जाता जैसा हम चाहें ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। अफ़दल सवाल यह है कि रुकिया अगर रिकॉर्डेड हो तो काफ़ी है या कोई पढ़ने वाला मौजूद हो। अफ़दल और सुन्नत यही है कि कोई पढ़ने वाला पढ़े, और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो चूंकि असल इलाज कुरान से है, एक इंसान को हिदायत चाहे कोई पढ़ के सुनाए उससे भी मिल सकती है, और ऑडियो कैसेट सुने उससे भी मिल सकती है, इसी तरह से रुकिया की जो आयात हैं असर जो उसका है उन आयात के पढ़ने से हो सकता है, अगर वो रिकॉर्डेड भी है तो उससे भी इलाज हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अफ़दल और अवला यही है कि कोई पढ़ने वाला हो चाहे घर का आदमी हो वो पढ़े बेहतर है, लेकिन अगर कैसेट, अब इसको भी तजवीद नहीं आती क्या करें, वक्त नहीं मिलता, दुकान पे बैठा रहता है, कभी तजवीज़ सीखा नहीं, ना बचपन में, जवानी में, ना बुढ़ापे में, अब क्या करें। तो अब ऐसे बात लोग होते हैं कि हमको पढ़ने नहीं आता कुरान, तो वो लोग अगर रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते हैं तो कोई हर्ज उसमें नहीं है, लेकिन कुरान पढ़ना सीखना चाहिए, कम से कम सूरह फातिहा तो पक्की कर ले। ذاتی طور پر میں یہ سوال یہ ہے کہ جو موبائل فون ہوتے ہیں ان میں اپلیکیشنز کچھ ہوتی ہیں جن میں اذان کا وقت ہوتی ہے اذان ہوتی ہے،
मुझको ये मुनासिब नहीं लगता है, इसलिए कि वो वाकई अज़ान नहीं है, तो अज़ान का होना उस वक्त में मुनासिब नहीं लगता है। अलबत्त आप कुछ उसमें अलार्म अगर ऐसा लगा सकते हैं जो बहुत डिस्को भी ना हो एकदम, कि अज़ान हो रही है उसके लिए गाने की म्यूज़िक बज रही, ऐसा नहीं हो, आप उसमें कोई दूसरा ऐसा इंडिकेट या जिसे आवाज़ कुछ ऐसी रख सकते हैं जिससे आपको मालूम हो जाए कि वक्त हो गया है, बीप कुछ हो सकती है इस तरह से। तो अज़ान के लिए हुरमत का फतवा तो मैं नहीं जानता, मेरे इल्म में नहीं इस तरह से, लेकिन परहेज़ करें तो बेहतर है, इसलिए कि बेवक्त अज़ान, इधर अज़ान हो रही, उधर अज़ान, उधर अज़ान हो रही, इस तरह से वो अज़ान वाकई अज़ान नहीं है। उसके ऊपर नमाज़ पढ़ सकते हैं आप, अज़ान हुई चलो, बल्कि नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अज़ान किसने दी है, वो एप्लीकेशन ने दी है, मौज़िन साहब की अज़ान वो नहीं है। लिहाजा एक आदमी को चाहिए कि वो ना रखें तो बेहतर है, हम ये नहीं कहेंगे हराम है, उलमा से आप पूछें इसको, लेकिन बचें तो बेहतर है। नमाज जमात के साथ छोड़ना गुनाह में आता है क्या? इसमें उलमा का इख्तिलाफ है कि जमात वाजिब है या नहीं। राजह कौल यह है कि बिला उज़्र जमात का तर्क करना जायज़ नहीं है, बग़ैर किसी उज़्र के। उज़्र का मतलब ये नहीं कि मैच चल रही आखिरी ओवर है, ये उज़्र नहीं है, या कोई ऐसा उज़्र जो मेहमान आ गए ज़रा हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये उज़्र नहीं है। वाकई आदमी बीमार है या मसला कुछ है या सख्त बारिश हो रही है या बहुत कुछ और बाहर मसाइल चल रहे हैं, फसाद हो रहा है, कुछ भी इस तरह की बात है, या आदमी को अचानक पेशाब पखाने की हाजत आ जाए, जमात छूट जाए उसकी, तो वाकई कोई उज़्र इंसान के पास है तब तो वो जमात छोड़े तो हरज नहीं है, लेकिन बिला उज़्र जमात छोड़ना ये कबीरा गुनाहों में से है। अगर सवाल ये है कि अगर एक आदमी जमात छोड़ता है और दूसरे भलाई के काम करता है, तो दो सवाल हो सकते हैं यहाँ पे, क्या ये उसकी नेकियों को बर्बाद करेगा? नहीं। क्या वो नेकियाँ करके कुछ और नेकियाँ करके इसको पैचअप कर सकता है, जैसा सवाल है कि क्या इसकी भरपाई कर सकता है? नहीं, वो भरपाई उसकी नहीं होगी। हाँ, क़यामत के दिन नामे आमाल में होगी, लेकिन ये मतलब नहीं है कि एक आदमी कहे कि मैं चूँकि जमात छोड़ता हूँ लिहाजा मैं गरीब को खाना खिलाता हूँ तो ये उसके बराबर हो गया। नहीं, वो अपनी जगह गुनाह बाकी है और ये अपनी जगह नेकी है, तो दोनों ये नेकी है वो गुनाह। वो क़यामत के दिन जब तोला जाएगा गुनाहों को नेकियों को, तब तो उसका कुछ असर हो सकता है, लेकिन वो कफ़ारा नहीं है, उसका कफ़ारा नहीं है। सवाल है कि रुकू के बाद जब लोग खड़े होते हैं तो हाथ बांधना अफजल है या हाथ छोड़ना अफजल है? इस बाब में कोई सरीह रिवायत नहीं है। सरीह का मतलब होता है साफ, बिल्कुल वाज़ह रिवायत, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल या अमल में मिले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से खड़े होते थे तो आप हाथ बांधते थे। अब कुछ उलमा इस वजह से इस बात के कायल हैं कि आदमी बांधे या छोड़े उसको इख्तियार है, जैसे इमाम अहमद इब्ने हम्बल हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा बेहतर यही है कि हाथ छोड़े, इसलिए कि बांधने का जिक्र रुकू के बाद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, दूसरे उलमा कहते हैं कि नहीं, हाथ बांधे, इसलिए कि नमाज में रुकू से पहले हाथ बांधते हैं तो बाद में भी हाथ बांधेंगे, इसलिए कि वो भी क़याम है। तो अब ये ऐसा मसला है कि जिसके अंदर कोई ऐसा फैसल कौल, साफ सरी दलील ऐसी नहीं है कि जिससे एक को बिल्कुल गलत और दूसरे को बिल्कुल सही और एक को गुनाहगार और एक को यानी सुन्नत का मुखालिफ और सुन्नत का मुत्तबे कहा जाए। राजह कौल हमारे नज़दीक ये है कि हाथ छोड़ना चाहिए, इसलिए कि नमाज के जितने आमाल हैं उनमें हर हर मरहले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबरी दी है। रुकू के बाद में हाथ बांधने का तस्करा नहीं है। हाँ, सहाबी जो हैं उन्होंने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जिक्र की, मालिक इब्ने हुवैर रज़ी अल्लाह तआला ने, उन्होंने रुकू के कहा कि मैं अब आपकी नमाज गौर से देखने का मैंने इरादा किया, तो उन्होंने रुकू के पहले तो जिक्र किया कि आपने हाथ बांधा, लेकिन रुकू के बाद ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। अगर वाकई ये चीज़ होती तो आप उसको जिक्र करते हैं। लिहाजा नमाज में या किसी भी हाल में क़याम की हालत में असल ये कि आदमी हाथ छोड़ा रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ एक्टिविटी है तो वो एडिशनल है, वरना क़याम बेसिकली क्या है, खड़ा हो गया आदमी है। लेकिन क़याम में हम हाथ क्यों बांधते हैं, इसलिए कि आपने हाथ बांधा। अब रुकू के बाद तस्करा नहीं है तो तस्करा आए तो बांधे। अब कोई अगर उसको पहले के साथ में इस्तेसहाब जिसको कहते हैं कि पहले चूँकि बांधा था फिर बाद में बांधे, अगर इस वजह से कोई बांधता है तो हम उसके ऊपर सख्ती से रद्द नहीं करते हैं, जैसे शेख बिन बाज़ का कौल है। लेकिन कोई आदमी छोड़ता है
तो वो हमारे नज़दीक राज है, इसलिए कि ज़्यादा जो उसूली एतबार से उम्मत में अमल जो चला आया है, आप देखें पूरी उम्मत में आम तौर से मामूल जो रहा है वो यही कि रुकू के बाद हाथ छोड़ते रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये कि जब तक कि कोई पुख्ता दलील ना मिले आदमी हाथ ना बांधे रुकू के बाद में, और अगर कोई बांधता है तो उसको उसको उसका बायकॉट भी ना करें। हमारे यहाँ बहुत शिद्दत होती है, कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसमें साफ सरी दलील ऐसा मत कर, और फिर कोई करा तो गुनाहगार है। एकदम क्लियर दलील अगर नहीं है तो उस पर लड़ना ये नादानी है। इमाम अहमद इब्न हंबल से ज़्यादा मुत्तबे हम हैं, उन्होंने कहा इख्तियार इंसान को, चाहे तो बांधे जाए तो छोड़े। तो इससे मालूम होता है कि उलमा ने रुख्सत भी इसमें दी है, लिहाजा हमारे नज़दीक जो सही और राज़ कौल है उस पर हम अमल करें। लेकिन ऐसे मसाइल जिनमें सराहत के साथ मुखालफत नहीं है उसमें हम दूसरों के ऊपर सख्ती से रद्द भी न करें। हम ज़ाती तौर पर हाथ छोड़ते हैं इसलिए कि हमको अभी तक इत्मीनान उस पर नहीं है कि हाथ बांधना चाहिए। लेकिन अगर कोई बांधता है हमारे बाजू आके खड़ा तो सलाम के बाद उसको घूर के नहीं देखते हम लोग, कहाँ से आया तू, इधर का है, कौन सी मस्जिद का है तू, तो आइंदा दिखना नहीं इधर, तो दूसरों को भी ख़राब करेगा यहाँ पे। तो कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनमें वसात है, जिनमें इश्तिहादी मामला है, उसमें सख्ती करना मुनासिब नहीं है। सलफ़ का तरीका ये नहीं है, ठीक है। अब मैं समझता हूँ आप सबको सवाल याद आ रहे हैं। अगर कोई आदमी नफल नमाज़ पढ़ रहा है या कोई नमाज़ पढ़ रहा है और सामने सुतरा उसने नहीं रखा है तो जाने वाला कितने दूर से जा सकता है? बेहतर है कि जितना दूर उतना दूर से जाए, लेकिन इसमें जैसे शेख बिन बाज़ वगैरह और उलमा ने जो कहा है वो ये कि उसकी जो टेरिटरी है वो सजदे की जगह तक है, उसके बीच में से कोई जाता है तो फिर उसने उसकी नमाज को फतह करने की कोशिश की, उसके पार से कोई जाता है तो इतना संगीन मामला नहीं है। शेख बिन बाज़ वगैरह ने यही बात कही है, लिहाजा वो अगली सब से गए तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसा ना करें, झगड़े होंगे मस्जिदों के अंदर, जितना दूर से आप जा सकते हैं बेहतर है। अगर नज़र बद हो तो रुकिया का तरीक़ा सही क्या है? जिसको भी नज़र लगी है आप उसके लिए दुआ पढ़ें, आऊज़ बिकलिमातिल्लाहि तामा मिन कुल्ली शैतानिन वहामा व मिन कुल्ली ऐनिन लामा, ये पहले मैं बता चुका हूँ, ये दुआ इतनी पढ़ें बस काफ़ी है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें बहुत आसान होती हैं, थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल बताओ कुछ ऐसा करके, कुछ तो हो, सीधा साधा दीन है, इतना करना है बस। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएँ और दीनी मजालिस में हाज़िर होने की और दीन की जो भी बातें सामने आएँ उनको उन पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाएँ। अक़ुलु हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम।